हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम यादव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवम सर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर में कैसे वर्क होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। कंप्यूटर में सबसे मेन पार्ट होता है सीपीयू, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो उसी में एक मेन पार्ट है सीपीयू, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन। आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट हो सके। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग कंप्यूटर में सब कुछ कंट्रोल करते हैं, कैसे सब कुछ मैनेज होता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, और ये सब कौन करता है, कंप्यूटर का ब्रेन। क्योंकि आदमी वर्क कैसे करता है, जब उसका ब्रेन कुछ कहता है तभी कंप्यूटर वर्क करता है। अगर कंप्यूटर आदमी के पास ब्रेन ना हो तो क्या आदमी बिना ब्रेन के वर्क कर सकता है? नो। तो उसी तरह कंप्यूटर बिना ब्रेन के वर्क नहीं कर सकता है। और कंप्यूटर के ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू। सीपीयू को कंट्रोल कौन करता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल यूनिट नोन एज कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर के वेरियस कंपोनेंट्स को, जो हम लोग रीड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, और ट्रांसफॉर्म करता है ये कंट्रोल सिग्नल्स को अदर पार्ट्स में। जैसे हमें प्रिंट करना है तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, प्रिंटर को कमांड देगा कि हमें ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल्स करता है, जो एक्टिवेट कंट्रोल सिग्नल्स को एक्टिवेट करता है, जो बताते हैं कि किस पार्ट को क्या वर्क करना है। अब जैसे कीबोर्ड से हम इनपुट कर रहे हैं तो कीबोर्ड को बताएगा कि इनपुट हो रहा है, तब वो इनपुट करेगा। कंट्रोल यूनिट का बेसिकली काम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम को, कंप्यूटर को कंट्रोल करना है कि उसका प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, कौन सा वर्क पहले होना है, कौन सा वर्क बाद में होना है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली किसका यूज करते हैं हम लोग, कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट बहुत सी, जैसे हम लोग अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। ऐसे हम लोग सम कर रहे हैं तो जैसे उसमें दिया है कि ऐड करना है, 2 + 3 ऐड, 2 + 3 को ऐड करना है, 2 और 3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो कंट्रोल यूनिट बताएगा कि इसमें कौन सा लॉजिक परफॉर्म होगा, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऐड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ये ALU को ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा कि आपको ये दो सम्स को एक्टिवेट ऐड करना है। तो ये काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का काम है। नंबर्स को ऐड करना है, डिवाइड करना है, डिलीट करना है, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके बारे में डिटेल सिग्नल कौन एक्टिवेट करेगा, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सिग्नल करेगा कि हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम लोग कंट्रोल यूनिट इसको ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब कंट्रोल यूनिट बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब कंट्रोल यूनिट में क्या होती हैं, चीजें मेन होती हैं कंपलसरी। पहला होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन, कंप्यूटर ऑफ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा होता है ALU, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। थर्ड होता है हमारा मेमोरी। मेमोरी के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे क्योंकि मेमोरी के में बहुत ही ब्रॉड है, उसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मेमोरी बेसिकली होता क्या है, मेमोरी बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, और मेमोरी में का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे सिस्टम में आपके सीपीयू में हार्ड डिस्क लगी होती है, हार्ड डिस्क में वो क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। पेन ड्राइव को अलग से लगा लेते हैं, पेन ड्राइव क्या है, पेरिफेरल डिवाइस है, तो पेन ड्राइव का यूज़ हम करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। ऐसे डेटा को हमको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है तो पेन ड्राइव में स्टोर करके हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए हम मेमोरी के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें उसका ब्रॉड डिस्क्रिप्शन देंगे। अभी आप सिर्फ
मेमोरी होती क्या है समझ लिए, मेमोरी का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। ALU में क्या करते हैं, हम लोग बहुत से लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे किसी नंबर को ऐड करना है, डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, या उसका अंडर रूट निकालना है, या उसका परसेंटेज निकालना है, जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो हम ALU के अंदर परफॉर्म करते हैं। और CPU के अंदर क्या होता है, CPU के अंदर जितने भी डिवाइसेस होती हैं, अगर अदर डिवाइसेस हमको अटैच करनी है, पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच करनी है, तो वो भी CPU में अटैच होगी। CPU में ही हमारा सब कुछ होता है, क्योंकि CPU क्या है, हमारे सिस्टम का ब्रेन है। चलिए आइए डिस्क्रिप्शन, CPU क्या होता है उसका डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेसर में और मेन प्रोसेसर और जस्ट प्रोसेसर, इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी विद इन अ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस दैट मेक अप अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सेंट्रल प्रोसेसर है, जहाँ पे मतलब क्या होता है, और सारी चीज़ों का प्रोसेसिंग होती है। जैसे हमने इंस्ट्रक्शंस दिया तो पहले कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट पे आएगा, कंट्रोल यूनिट फिर वो कमांड आएगा, सिग्नल्स भेजेगा उस प्रोसेसर को कि हमको ये वर्क करना है। और आपका प्रोसेसर जितना भी एडवांस होगा उतना ही फास्ट आपका वर्क होगा। प्रोसेसर से क्या होता है, हमारा जो वर्क होता है वो फास्ट हो जाता है, ईजी हो जाता है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं मल्टीटास्किंग, हम लोग एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। और प्रोसेसर बहुत ही होते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। आजकल तो बहुत ही एडवांस प्रोसेसर आ रहा है, जैसे इंटेल i10 इस समय आ गया है, वो प्रोसेसर का नाम है इंटेल, कंपनी है इंटेल i10, उसके प्रोसेसर बनते हैं। सेंट्रल पर सीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या करता है, परफॉर्म करता है बेसिक अर्थमेटिकल लॉजिकल कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। जैसे हमने इनपुट दिया तो सीपीयू क्या करेगा, उस इनपुट को सिग्नल भेजेगा, तो हमको मॉनिटर पे, अगर जैसे हमने ये कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये सिग्नल कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा, प्रोसेसर के पास। फिर प्रोसेसर क्या करेगा, उसको मॉनिटर को सिग्नल भेजेगा कि आपको डिस्प्ले करना है, तब वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं वो किसके थ्रू मैनेज होते हैं, सीपीयू के थ्रू। जितना भी हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करते हैं वो सब मैनेज किसके थ्रू करते हैं, हम लोग सीपीयू के थ्रू करते हैं। सीपीयू क्या करता है, ऑल ऑपरेशंस को मैनेज करता है, जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको भी मैनेज करता है या कंट्रोल करता है सीपीयू, और उसी के हिसाब से कंप्यूटर वर्क करता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हमारी कोई बॉडी है, जैसे हमको कोई वर्क करना है तो हमारा ब्रेन क्या करता है, सिग्नल भेजता है। जैसे हमको हैंड उठाना है तो ब्रेन क्या करेगा, हमारे हैंड को सिग्नल भेजेगा कि आपको हैंड लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना है, तो हमारा लेफ्ट हैंड क्या होता है, ऊपर उठता है। तो जो ब्रेन हमारे बॉडीज को सिग्नल भेजता है तभी हमारी बॉडी वर्क करती है। उसी तरह जैसे हमारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पार्ट्स को वर्क करना है तो सीपीयू क्या करेगा, वहाँ पे सिग्नल्स भेजेगा किसके थ्रू, कंट्रोल यूनिट के थ्रू, उसको कंट्रोल करेगा। जैसे हम एक टाइम पे बहुत से टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क बाद में करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, कंट्रोल यूनिट। लेकिन उस टास्क को परफॉर्म कैसे करना है ये कौन बताएगा, सीपीयू, कि कैसे इस टास्क को परफॉर्म करना है, कौन सी डिवाइस इस टास्क को परफॉर्म करेगी। तो ये सब जो मैनेज करना है ये सब कैसे मैनेज होगा, सीपीयू के थ्रू। सीपीयू कंट्रोल यूनिट, कंट्रोलिंग यूनिट का एक पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। द ALU इज अ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टू क्लासेस ऑफ ऑपरेशंस। ALU जो है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फुल फॉर्म क्या होती है ALU की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट की फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, CU। CU को हम लोग क्या बोलेंगे, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हम बहुत से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमने जैसे बताया किसी नंबर को ऐड करना है तो भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, किसी नंबर को डिवाइड करना है ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जितनी भी हम लोग को कैलकुलेशन करनी होती है वो सब हम किसके थ्रू करते हैं, ALU के थ्रू करते हैं। और बहुत से लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे किसी एंड गेट, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, या नैंड ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी हम किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, परसेंटेज निकालना, किसी नंबर को डिवाइड करना या उसका रूट निकालना है, और लॉग निकालना, मतलब जितने भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो सब हम किसके थ्रू परफॉर्म करेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू। और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऐसे एंड ऑपरेशन, नॉट नॉर ऑपरेशन, तो ये सब किसे हम किसके थ्रू हम करते हैं, ये भी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के थ्रू परफॉर्म करते हैं। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी।
मेमोरी क्या होता है? मेमोरी वो होता है बेसिकली जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे सिस्टम में सबसे मेन चीज़ क्या है जहाँ डेटा स्टोर होता है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मैक्सिमम कितनी होती है? उसकी मेमोरी होती है 500 GB। तो उसमें हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? 500 GB। उसमें अलग अलग पार्टीशन भी करते हैं, जैसे सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है। वो पार्टीशन हम अपने यूज़ करते हैं कि हमको जितना डेटा का यूज़ है उस हिसाब से उसका पार्टीशन कर लेते हैं। मेमोरी बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम आजकल आप स्मार्टफोन देख रहे होंगे, उसमें रैम्स बहुत आ रही है, 2 GB रैम होता है, 1 GB रैम होता है, और जो उसमें होता है 64 GB, वो हमारा क्या हो जाएगा? रोम। जो हमारा रैम होती है उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारी जो होती है टेम्परेरी मेमोरी होती है। जितना भी हम लोग वर्क अभी परफॉर्म कर रहे हैं ये सारा कहाँ स्टोर हो रहा है? रैम में। क्योंकि जैसे हम लोग सी कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देंगे तो सारा वर्क अपने आप क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी है। अगर जैसे हमने डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड ओपन किया, उस पर हमने कुछ टाइप किया, तो उस पर जो टाइप कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? वो टेम्परेरी स्टोर हो रहा है जब तक हम उस फाइल को सेव नहीं करते हैं। जब उसको क्लोज करते हैं तो वो ऑप्शन पूछा जाता है सेव या डोंट सेव। अगर सेव पे क्लिक कर देते हैं तो वो परमानेंट स्टोर हो जाती है। कहाँ पर? हमारे हार्ड डिस्क में। वो हमारी हो जाती है परमानेंट मेमोरी। और एक होती है टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी वो होती है जो हम लोग करंट वर्क कर रहे होते हैं वो जो सब सेव होता है वो टेम्परेरी मेमोरी में सेव होता है, और जब उसको हम परमानेंट सेव करना होता है तो उसको हम किसी ड्राइव में सेव कर देते हैं, तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी हो जाती है। परमानेंट मेमोरी को हम बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, और जो टेम्परेरी मेमोरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। मेमोरी बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक वॉलेटाइल मेमोरी, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसको इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि मेमोरी जो है उसके बहुत बड़ा ब्रॉड डिस्क्रिप्शन है। उसको समझाने के लिए हमको एक नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी बस अब इतना समझ लीजिए कि मेमोरी दो वराइटीज में होती है, एक रैम और रोम। रैम को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैंडमली एक्सेस करना होता है हमको किसी भी, मतलब जो करेंट वर्क कर रहे होते हैं वो हम रैम पे वर्क करते हैं, और जो हम लोग को परमानेंट स्टोर करना होता है उसको हम किस पे स्टोर करेंगे? हार्ड डिस्क में। और दूसरी हमारी होती है रैम, रीड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ रीड करने के लिए होता है, जितना हम लोग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो रीड करने के लिए होता है। जितना हमारे प्रोसेसिंग जो टास्क परफॉर्म करते हैं वो किस पे परफॉर्म करते हैं? रैम पे। जब डेटा स्टोर करना होता है वो हम किस पे स्टोर करते हैं? रोम पे। ये था हमारा मेमोरी के बारे में, एक बार रिविजन कर ले रहे हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया? कंप्यूटर ब्रेन। कंप्यूटर ब्रेन क्या होता है? कंप्यूटर ब्रेन हम किसको बोलते हैं? सीपीयू को। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये किसके कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? बेसिकली कंट्रोल करता है हमारे ऑपरेशंस को, टास्क को, इंस्ट्रक्शंस को, जो हम लोग सिस्टम को देते हैं। ये क्या करता है? सिग्नल्स एक्टिवेट करता है किस डिवाइस को कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली थ्री टाइप्स की होती हैं। पहला होता है सीपीयू। कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंट्रोल्स द सीपीयू, एएलयू एंड मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और थर्ड हमारा क्या होता है? मेमोरी। सीपीयू हमने बताया था, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये परफॉर्म करता है बेसिक अरिथमेटिक लॉजिकल कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जो हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है कि सिस्टम में हमको कुछ इनपुट देना है या कुछ आउटपुट लेना है, तो ये ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा? सीपीयू परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है हमारा एएलयू। एएलयू क्या करता है? बेसिकली अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस वही ऐड करना, सब कर, ट्रैक करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉर ऑपरेशंस, ये सब आपने इंटर में पढ़ा होगा, एंड गेट, और गेट। तो वही जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वही हमारे हो जाते हैं एएलयू के थ्रू परफॉर्म होते हैं। और थर्ड होता है मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, बताया अभी, रैम और रोम में। तो इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम आपको अगले वीडियो में देंगे। स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।